मम्मी से फ्रेंड्स बन गए। कंजड़ी दुल्हन को मंडप तक लेके जाएगा। तुम इनके सुंदर सुंदर लड़कियों में आफती तो फाइनली काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुई यारियां मूवी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसने एक काफ़ी अच्छी ऑडियंस को हिट किया था। एक स्टूडेंट ऑडियंस और कॉलेज ऑडियंस को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट किया था। मैं मेकर्स ने यारियां 2 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी, जहां पर उनकी डायरेक्टर दिव्या घोसला कुमार ने एक टीज़र आउट किया जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं दोस्तों उसके साथ साथ उसकी रिलीज से रिगार्डिंग एक हिंट भी मिला है जिसको मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष चंद बात करने वाला हूँ अपकमिंग मूवी यारियां 2 के बारे में और नज़र डालूंगा कि सारे अपडेट्स प्रोसेस करने वाला उसकी स्टोरी कास्ट रिलीज डेट डोला के बारे में। मैं दोस्तों आपको यारियां का पार्ट 1 पसंद आया था तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेकर्स ने यारियां 2 से रिगार्डिंग एक टीज़र या एक अनाउंसमेंट करके आउट किया जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों उसको देखकर काफ़ी कुछ पता चल जाता है इस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यारियां 2 को भी दिव्या घोसला कुमार डायरेक्ट करती नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट भी फाइनलाइज कर दी जो कि आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाली है। तो वो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं इस मूवी के सारे डाउट्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। सो यारियां 2 का भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम होने वाला है, जहाँ पर आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप और एक अच्छा बॉन्ड दिखाया जाएगा। और वही दोस्तों ये मूवी जो कि मलयालम मूवी बैंगलोर डेज का एक ऑफिशियल रीमेक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से तैयार हो जाओ यारियां 2 के लिए जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं यारियां 2 की स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों ये मूवी एक मल्टी स्टार मूवी होने वाली है, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले, जहाँ पर हमें नागिन के एक्टर पालवी पुरी, जान जैफरी और यश दास गुप्ता एक लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों हमें को स्टार कास्ट में वरीना हुसैन और प्रिया वारियर एक लीड रोल में नजर आने वाली है। मैं दोस्तों आप पालवी पुरी और मीज़ान जैफरी में से किसके बिग फैन हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों मेकर्स ने मूवी की रिलीज से रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पोर्टल और लेटेस्ट अपडेट से ये पता चलता है कि ये मूवी आपको मिड 2023 तक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पालवी पुरी इस मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू करते नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट इस मूवी से रिगार्डिंग। दोस्तों इन फ्यूचर कोई भी नई अपडेट आएगी इस मूवी से रिगार्डिंग तो दोस्तों आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऐसी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।